हेलो एवरीवन, इससे पहले हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पे क्वेश्चन कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स हम पहले खत्म कर चुके थे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री से ये होता है कि हम जो वहाँ पे ए एन बी एन ए नॉट निकालते थे, हमें सभी निकालने पड़ते थे। तो हो सकता है अगर किसी वेव फॉर्म में सिमेट्री एग्जिट करती है तो हमें क्या होगा, कुछ पार्ट नहीं निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही वहाँ से पता लगा लेंगे कि वो पार्ट जीरो होगा या ए एन जीरो होगा, ए नॉट जीरो होगा, बी एन जीरो होगा। ठीक है, तो जो सिमेट्री होती है मैं दो तरह की होती है, हम उन्हें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पहली होती है इवन सिमेट्री, इवन सिमेट्री मतलब फंक्शन क्या हो, इवन हो। इसके लिए इवन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर एफ टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ टी आर आए, यानी फंक्शन को मैं वाई एक्सिस के अबाउट पलट दूं, उसमें कोई चेंज ना दिखे मुझे, तो कौन सी सिमेट्री होती है, इवन सिमेट्री। ठीक है, अगर ऐसा है इवन सिमेट्री आ रही है तो उस केस में हमेशा बी एन तो जीरो होगा ही होगा, क्या होगा, बी एन जीरो होगा। ठीक है, तो बी एन जीरो होगा, ए नॉट और ए एन आएंगे केवल। ठीक है, तो बी एन हमेशा जीरो होगा, जो ए नॉट होगा वो जीरो नहीं होगा और ए एन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बी एन जीरो हो गया, इसका मतलब कौन कौन से टर्म आने वाले हैं, ए नॉट का टर्म आने वाला और ए एन के साथ मतलब कोसाइन के टर्म आने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे, ए नॉट एंड कोसाइन टर्म्स ओनली। ठीक है, सेकेंड इवन सॉरी ऑड सिमेट्री, इसमें क्या होता है, अब देखो अगर कोई फंक्शन ओड है, यानी ओड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं टी की जगह उसमें माइनस टी रखता हूँ, लेकिन क्या करना पड़ा, अगेन मुझे माइनस टी से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम बन जाए, तो उसे ओड सिमेट्री कहते हैं या ओड फंक्शन कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो ए नॉट होता है वो भी जीरो होता है, ए एन भी जीरो आता है, जो बी एन होता है वो जीरो नहीं आता। ठीक है, अगर ए नॉट और ए एन जीरो हो गए तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है और कोसाइन वाले टर्म तो आएंगे नहीं, अब कौन से टर्म आएंगे, केवल साइन वाले। ठीक है, तो इसमें कौन से टर्म आएंगे, ओनली साइन टर्म्स। ठीक है, साइन के हार्मोनिक्स आएंगे केवल। तीसरा देखो, एक होती है हाफ वेव सिमेट्री, तो एक होती है ये हाफ वेव सिमेट्री। इसमें हाफ वेव सिमेट्री में क्या है, ये देखो पहले तो ये दोनों चेक करेंगे हम, सिमेट्री है या नहीं, तीसरी वाली ये इसको चेक करेंगे उसमें। तो ये क्या बताता है, एफ टी इक्वल्स टू अगर माइनस ऑफ एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू है, मतलब उसका हमने क्या करा, जो वेव फॉर्म थी उसका हाफ पीरियड पकड़ लिया, अगर वो उसके नेक्स्ट हाफ पीरियड उसको मैंने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, अगर इन्वर्ट करने के बाद वो सेम दिखता है तो हम क्या कहेंगे, उसमें हाफ वेव सिमेट्री एग्जिट होती है, एग्जिट करेगी। अगर हाफ वेव सिमेट्री है तो क्या होगा, केवल उस हमें जो मिलेंगे केवल ओड टर्म मिलेंगे। ठीक है, ओड हार्मोनिक मिलेंगे साइन और कोसाइन के, तो ए नोट तो उसमें जीरो हो जाएगा, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, जो ए टू एन होंगे और बी टू एन होंगे, मतलब इवन हार्मोनिक्स भी क्या होंगे, जीरो आएंगे, साइन और कोसाइन के दोनों। तो जो ओड होंगे, ओड हार्मोनिक्स जो होंगे वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए टू एन प्लस वन लिखा मैंने, और साइन के भी ओड हार्मोनिक्स जीरो नहीं आएंगे। ठीक है, ये याद रखना। और देख लो, इसी से आप देखो नई नई सिमेट्री बन जाएंगी, मैन तो ये तीन ही है, इससे देखो चौथी क्या बन सकती है, अगर फंक्शन हमारा इवन हो और उसमें हाफ वेव सिमेट्री एग्जिट कर रहे हो, इवन हो प्लस हाफ वेव सिमेट्री हो, तो मुझे बताओ इसमें कौन सी एग्जिट करेगी। हाफ से मुझे पता चलता है कि केवल उसके ओड हार्मोनिक्स आते हैं, साइन के और कोसाइन के। अगर फंक्शन इवन है तो कोसाइन आएंगे, ठीक है, कोसाइन इवन है तो कोसाइन और ए नोट आता है, तो हाफ वेव होने की वजह से ए नोट जीरो, ए नोट नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल कौन से टर्म आएंगे, केवल कौन से टर्म आएंगे, केवल ओनली ओड हार्मोनिक्स ऑफ, हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन। ठीक है, ये आएंगे, ऐसे ही ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री हो,
इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर ओड है तो कौन से टर्म आएंगे, केवल साइन के। अगर हाफ वेव सिमेट्री भी एग्जिट कर गई तो वो साइन के कौन से टर्म देगा, केवल ओड। ठीक है, तो साइन के केवल कौन से हार्मोनिक आएंगे, ओड, ओनली ओड हार्मोनिक्स ऑफ साइन। ठीक है, तो इतना कुछ देखा, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक सेकंड में पता लग जाएगा कि कौन सी सिमेट्री है, बहुत जल्दी जल्दी, नहीं तो कहीं पर देखते हैं कि पूरे ऑपरेशन लगा लगा के चेक करते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा कि आप विद इन देखते ही बता दोगे कि कौन सी सिमेट्री है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, हम देखेंगे तीनों तरह की सिमेट्री चेक करेंगे। पहला देखो, यहाँ पे मैंने कहा था पहले इवन देखे, इवन के लिए क्या होता है, अगर मैं इधर से इधर पलट दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इसको इधर पलटता हूँ, इसको इधर पलटता हूँ, देखो इस वाली चीज ये ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी। पहली चीज, क्या सेम दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, इसका मतलब इवन तो होगा ही नहीं। सेकंड चेक करेंगे, उसको ओड बना के देखो, ये चीज इधर आ गई थी, ये इधर आ गई थी। अगर मैं इसको दोबारा से क्या कर दूँ, इसका इन्वर्टेड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पार्ट पकड़ लो कोई सा भी, ठीक है, मैंने कहा यहाँ से मैं यहाँ तक पकड़ लिया, ठीक है, ये इसका पीरियड हो गया, पीरियड इसका वैसे जीरो टी है, तो यहाँ से भी ये कितना होगा, टी पीरियड ही होगा। एक पीरियड पकड़ लो कोई भी, बस एक पीरियड पे ऑपरेशन अप्लाई करके देखो, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्वर्टेड इसके लिए पहले मैं इवन के लिए चेक करूँगा तो क्या होगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, देखो इस टाइप से दिखेगा, और ये वाला कैसे दिखेगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाली चीज इधर पॉजिटिव वाले टर्मिनल पाएगी। क्या ये ओड है, इवन है, अभी अभी नहीं है, देखो बिल्कुल एक जैसे ही नहीं दिख रही है ये। अगर मैं इसमें इसका क्या कर दूँ, माइनस वन से मल्टी इन्वर्टेड वर्जन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब जो ओड वाला काम करते हैं वो काम कर दूँ इसमें, तो ये आ गया नीचे, ये क्या कहाँ पहुँच गया, ऊपर। ठीक है, क्या ये अब सेम है, यहाँ पे देखो क्या पहले क्या काम किया, ये वाली चीज़ तो मैंने यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जब करेंगे तो ये वाली चीज़ इसकी पॉजिटिव साइड पर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके पॉजिटिव पर आ गई, तो ये वाली जो थी हमारी, ये तो मैंने इधर भेज दी, ये आ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल, और ये नीचे आई। उसके बाद इसका इन्वर्टेड वर्जन लिया मैंने, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, क्या सेम दिख रहे हैं, अब सेम देख रहे हैं इधर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, पहले हमने देखा ना तो ये इवन निकला, ठीक है, यहाँ से मैच किया। दूसरा जब मैंने इसके लिए ओड के लिए चेक करके देखा तो ये ओड भी नहीं निकला, भाई साहब देखो एक बिल्कुल ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है, ना तो ये इवन है ना ओड है। तो तीसरी बची हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव के लिए मैंने कहा पूरा पीरियड सेलेक्ट करो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पीरियड है, इसका हाफ ले लो, हाफ पीरियड पकड़ लो कोई भी, यहाँ से यहाँ तक ले लो या यहाँ से यहाँ तक ले लो। चलो मैंने ये वाला हाफ पकड़ लिया, ठीक है, कोई भी हाफ पीरियड पकड़ लो, और उसका क्या कर दो, इन्वर्टेड वर्जन बना दो। तो इसका इन्वर्टेड वर्जन क्या होगा, इसका ये वाला चीज़ माइनस ए पे है तो आप किस पे चले आएगी, प्लस ए पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। और इसको जब मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या कैसे जाएगा ये, इस टाइप से। अब मैच करके देखो क्या सेम दिखते हैं क्या दोनों। यहाँ पे देखो इसकी भी हाइट इतनी है, इसकी भी इतनी है, हर एक फंक्शन पॉइंट पे इस पे देखो सेम का सेम दिख रहा है ना, ये वाली चीज़ ये इसके से एक बिल्कुल एक जैसी है ना, ठीक। अगर एक जैसी दिखती है तो क्या कहेंगे, हाफ वेव सिमेट्री एग्जिट करती है। केवल जो वो बना ना उसका कोई हाफ पोर्शन पकड़ लो और उसका इन्वर्टेड वर्जन बना दो। इसका हाफ पकड़ा मैंने, इन्वर्टेड वर्जन बना दिया, देखो यहाँ पे ये बना दिया। बनाने के बाद मैंने देखा कि जो उसका नेक्स्ट हाफ था बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है। तो केवल इसमें क्या आएगा, ना ये ओड था ना इवन था, तो इसमें साइन और कोसाइन के दोनों के क्या आएंगे, ओड हार्मोनिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट ओनली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, केवल साइन और कोसाइन के ओड हार्मोनिक्स आएंगे, ठीक है। एक एक सेकंड में पकड़ इतनी जल्दी जल्दी पता लगाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इस वाले को पकड़ लो कोई भी एक पीरियड, चलो मैंने ये पकड़ लिया,
पहले मुझे इवन के लिए देखना, तो मैंने इसको इधर पलटा, इसको इधर पलटा, देखो इधर, इधर को इसको पलटूंगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसके फिर ये नीचे आ गया, ये ऊपर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, तो इसमें ओड ओड सिमेट्री तो है। देखो यहाँ पे मैं चेक दिखाता हूँ एक बार, मैं के ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक वाला पीरियड, ठीक है, अपनी मर्जी है, कहीं से कहीं तक भी ले लो, मैंने ये वाला पीरियड पकड़ लिया पूरा। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इसका इवन बना रहा हूँ, मतलब इसको अपोजिट कर रहा हूँ, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आया किधर, इधर, और ये गया इधर। क्या एक जैसे दिख रहे हैं ये? अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इवन तो नहीं है। ओड के लिए चेक करो, इसका क्या कर दो, बस इन्वर्टेड कर दो, ये वाली चीज नीचे आ गई और ये ऊपर, नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच गई। क्या सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। देखो इसका मतलब ओड तो है ये, ठीक है, ओड तो आ गया पहली बात में। नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सी हाफ वेव सिमेट्री। मैंने कहा कोई भी हाफ पीरियड पकड़ लो, तो यहाँ तक ये हाफ हो गया देखो, और इसका बना दो ऐसा ही वर्जन, ठीक है, इसका इन्वर्टेड वर्जन बना दो। इन्वर्टेड किस टाइप का दिखेगा? देखो भाई साहब ऐसा दिखेगा, क्या आगा वाला जो नेक्स्ट हाफ है उसके जैसा दिख रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, जितनी हाइट उसकी थी इतना इसका है। तो इसका मतलब ओड हाफ वेव सिमेट्री भी आएगी, ओड हाफ वेव सिमेट्री भी आएगी, ठीक है। तो ओड भी है और ओड है हाफ वेव सिमेट्री आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा आएगा? केवल ओनली ओड हारमोनिक्स ऑफ साइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही इसको चेक करो, इसी टाइप से मैंने पकड़ लिया कोई भी पीरियड, चलो यहाँ से यहाँ तक का पकड़ लिया मैंने, इसके बाद ये यहाँ जाकर रिपीट हो रहा है ना, तो ये आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक पीरियड पकड़ लिया मैंने इसको। भाई इसी को उल्टा करके देखूंगा मैं, यहाँ पे पहला इवन फंक्शन के लिए चेक करो, तो ये नीचे चीज पहुँचेगी या ऊपर पहुँचेगी, ठीक है, पहुँचाओ इसे, वाई नीचे, क्या एक जैसे दिख रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं? देखो ये चीज यहाँ नीचे है, वो ऊपर आ रही है, तो इवन तो ये नहीं है। ओड के लिए चेक करो, क्या कर दो, बस इसका उल्टा कर दो, ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है, तो ओड तो है बिल्कुल। और उसके लिए तो पता ही है, मैंने कोई कहा हाफ पीरियड पकड़ लो, मैंने ये पकड़ लिया, बिल्कुल इसका उल्टा बना दो, तो इसका उल्टा ही बनेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो ये इधर का नहीं है, तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। क्या बिल्कुल सेम दिख रहे हैं ये? यहाँ पे देखो ये वाली, ये जो लाइन है, ये वाला डब्बा एक तो है ना, एक ये वाला, दोनों सेम है, ठीक है। अगर सेम है तो कौन सी सिमेट्री आ गई? ये एक तो ओड थी हमें, मिली थी हमें, ओड हाफ वेव सिमेट्री भी आ गई, ठीक है। अगेन क्या होगा? ओनली ओड हार्मोनिक्स ऑफ साइन, ठीक है, इस तरह से पता लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, इससे रिलेटेड अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें और इसी टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।